हेलो फ्रेंड्स, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसाला भरवा करेला। मसाला भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले हम करेला लेंगे और उन्हें अच्छे से धुल लेंगे। धुल करके रख लेंगे। जब उनका पूरा पानी निकल जाएगा, उसके बाद हम उनका दोनों साइड का भाग कट करके अलग कर देंगे और उनमें एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद उसे अच्छे से साफ कर लेंगे, या फिर आप चम्मच या हाथ से भी इसे अच्छे से साफ कर लें। इसका पूरा बीज निकाल दें, क्योंकि हमें इनमें मसाला भरना है। ऐसे ही हम अपने पूरे करेला कट कर लेंगे। वीडियो पूरा देखना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम अपने पूरा करेला कट करके रख लेंगे और उनका अंदर का बीज निकाल देंगे। आप करेला हरे लीजिए, क्योंकि हरे करेला के बीज पके नहीं होते। पूरे करेला कट करके एक बाउल में रख लेंगे और उन्हें नमक और पानी डाल करके रख देंगे। जब तक हमारे करेला नमक और पानी में रखे रहेंगे, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जीरा, सौंफ, मेथी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च खड़ी, तेज पत्ता, दालचीनी लेकर के अच्छे से भून करके रख लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो, तब तक हम ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच जीरा, लहसुन, अदरक, प्याज को बारीक काट करके डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही हमारी प्याज और मसाले सुनहरे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक, या फिर आप स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा पानी डाल करके मसाला पका लेंगे, क्योंकि इसकी हमें ग्रेवी बनाना है। इस 1-2 मिनट तक हम इसे ढककर पका लेंगे। ऐसे ही हमारा मसाला पक जाएगा, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम अपने खड़े मसाले पीस लेंगे। मिक्सर में या आप सिलबट्टा में भी पीस सकते हैं। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही, तब तक हम अपना मसाला पीस करके रख लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे हम पीस करके रख लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। और हमने अपने करेला धुल करके रख लिए हैं और इनमें हम मसाला भर देंगे। से ही हम अपने पूरे करेला में मसाला भर करके रख देंगे। हमारे मसाला भर करके करेला तैयार है। अब हम अपनी ग्रेवी बना लेंगे।
ग्रेवी बना करके एक कटोरी में रख लेंगे। ऐसी ग्रेवी बनाने से करेला की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसमें अपने करेला फ्राई कर लेंगे। कम से कम तेल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ढक करके इन्हें पका लेंगे। हमारे करेला पक चुके हैं, अब हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और यहाँ पर हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल करके डाल देंगे और 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। हमारे मसाला भरवा करेला बनकर तैयार है। और इसे हम हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए आपके मसाला भरवा करेला कैसे बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।